मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम तुला राशि की बात कर रहे हैं। श्रृंखला जो नियमित दर्शक हैं वो जानते हैं कि हमारी चल रही है, और ये श्रृंखला है प्रत्येक राशि के बारे में 10 ऐसे राज जानने की जो सामान्य तौर पर हमें पता नहीं होते। राशि आपकी स्वयं की हो सकती है, आपके परिवार के किसी सदस्य की हो सकती है, आपके किसी मित्र की हो सकती है, किसी सहकर्मी की हो सकती है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि उस राशि के व्यक्ति के 10 ऐसे कौन से रहस्य हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, यदि आप लंबे समय तक उनके साथ में किसी भी प्रकार से जुड़े रहना चाहते हैं तो साथियों, विस्तार से इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना प्रश्न पूछिए, और हाँ, इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। तो बात कर रहे हैं तुला राशि की। तुला, तराजू, जिसका कि कार्य होता है किसी भी बात में संतुलन स्थापित करने का। तुला राशि जिसके कि स्वामी है स्वयं वैभव के प्रतीक, वैभव के स्वामी शुक्र देव। तो सबसे पहली जो इनके व्यक्तित्व की विशेषता है, चाहे वो इसको कितना ही छुपाए, वो कभी भी किसी एक पक्ष पर नहीं झुकाव अपना दिखाते, कभी भी वो किसी एक व्यक्ति का पक्ष नहीं लेते, वो संतुलन देखते हैं और निष्पक्ष ढंग से अपना कार्य करते हैं। यदि वो ये दिखा रहे हैं कि मैं किसी एक के साथ में हूं, तो वो निश्चित रूप से झूठ ही बोल रहे हैं। साथियों, तुला राशि की जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है, राज है, वो है कि ये बड़े शौकीन मिजाज के होते हैं। सदैव ये कामातुर रहते हैं और कामुकता की इनके अंदर अधिकता होती है, बशर्ते शुक्रदेव इनकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में हो। साथियों, इनकी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता या राज है इनका गोपनीय होना। जी हाँ, आप इन पर विश्वास कर सकते हैं, किसी भी बात को आप इनसे विश्वस्त तौर पर कह सकते हैं, वो बात ये कभी भी लीक नहीं करेंगे, ना ये स्वयं के बारे में अपनी गोपनीय बात किसी से शेयर करते हैं, और ना किसी अपने विश्वस्त व्यक्ति की बात का प्रचार प्रसार करते हैं। साथियों, चौथा जो सबसे बड़ा राज है वो है इनका एक अच्छा अभिनेता होना, और बड़ी बात यह है कि ये इस अभिनय को अपने रोजाना के जीवन में भी अच्छी तरीके से प्रयोग करते हैं, और कई बार इनको ऐसे काम भी इस कारण से बनते हुए देखे गए हैं कि लोग इनके अभिनय के कायल हो जाते हैं, अपना कार्य ये चुटकियों में कराकर निकल जाते हैं। साथियों, पांचवा जो राज है वो भी एक सकारात्मक विशेषता है कि ये सभी को मौका देते हैं। मान लीजिए इनका कोई सबोर्डिनेट है, तो ये कभी इस भावना में नहीं रहते कि यदि ये कुछ सीख जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा और मेरी जो कुर्सी है वो संकटपूर्ण स्थिति में आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, जिसमें जितनी क्षमता होती है इनको वो मौका अवश्य ही देते हैं आगे से आगे। साथियों, छठी जो विशेषता है ये भी बड़ी अच्छी सकारात्मक विशेषता है कि तुला राशि का जो जातक है, ना तो वो प्रशंसा से और ना ही अपनी बुराई से किसी से भी वो प्रभावित नहीं होता। अगली जो विशेषता है, 7 नंबर हमने उसको दिया है कि ये एक बार में एक ही कार्य करते हैं, जो कि अच्छी बात है। मल्टीटास्कर ये नहीं होते, एक लक्ष्य एक बार में ये लेकर के चलते हैं और उसको पूर्ण करने पर ही ये दूसरा कोई कार्य अपने हाथ में लेते हैं। साथियों, 8वां राज या विशेषता है कि तुला राशि का जातक किसी भी प्रकार के अपने संबंध को स्थापित करने के लिए या उस संबंध को तोड़ने के लिए कभी भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेता है। उसको संबंधों को छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है, संबंध स्थापित करने के लिए भी वो, क्योंकि छोड़े ये शर्मीले भी होते हैं, अपने आप को उतना एक्सपोज नहीं करते हैं, तो ये दोनों ही स्थितियों में ये 2 नंबर की स्थिति में रहते हैं।
साथियों, नौवीं इनकी विशेषता या राज है कि ये किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करते हैं, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को ये अनुकूल स्थिति में लाने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। अंतिम और दसवीं जो विशेषता या राज है कि ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होते, ना तो ये स्वयं कंफ्यूज होते हैं ना किसी को ये कंफ्यूज करते हैं। जो भी इनको कार्य है बिल्कुल स्पष्ट रूप से है और इनको उस कार्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है वो भी एकदम स्पष्ट रूप से ये तय करते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे तुला राशि के आज के कुछ राज और श्रृंखला हमारी जारी है, इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है हीरेन कदम जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बड़ौदा गुजरात से। आपने पूछा है कि शादी का योग आपके कब है। देखिए, लगभग एक वर्ष का आपको इंतजार करना होगा और मई 2023 इसके बाद ही आपके शादी के योग निर्मित हो रहे हैं। आप प्रबल रूप से मंगलिक भी हैं। विवाह के पूर्व कुंडली जरूर आप मिलवाइएगा और चतुर्थी का व्रत आप करना आज से ही प्रारंभ कर दीजिए ताकि अच्छा और श्रेष्ठ रिश्ता आपके लिए आए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की तुला राशि की, चर्चा की उनकी कुछ विशेषताओं की, कुछ राजों की। तो तुला राशि के स्वामी कौन से ग्रह होते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।